उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव के उस बयान पर जिसमें तेजस्वी यादव ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी दो चरण के चुनाव के बाद फ्रस्ट्रेशन में आ गई है। सम्राट चौधरी ने कहा कि जमानत बचा ले तो बहुत बड़ी बात होगी। उन्होंने कहा कि इस देश में मजाक नहीं हो रहा, लोकतंत्र है, 80 करोड़ लोगों को नरेंद्र मोदी ने खाना दिया है, 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत के तहत उन्हें स्वास्थ्य योजना का लाभ दिया है और लालू प्रसाद यादव ने 15 साल बिहार में क्या किया यह देश की जनता जानती है। वहीं जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने भी तेजस्वी यादव के उस बयान पर जिसमें तेजस्वी यादव ने कहा था कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, उन्होंने कहा कि विपक्ष मुकाबले में है ही नहीं, उनको बोलना है बोलने दीजिए, विपक्ष मुकाबले में रहेगा तभी न सरकार बन पाएगा। देश में मजाक नहीं हो रहा, उनके पिताजी 15 साल मजाक ही किए थे बिहार में, ये देश में मजाक नहीं हो रहा है, देश लोकतंत्र है और ये किसी परिवार का गुलाम नहीं है। लालू प्रसाद जी ने 15 साल तक बिहार को क्या किया है बिहार की जनता जानती है। नरेंद्र मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों को खाना दिया, ज्ञान नहीं है तो ज्ञान अर्जन करे, 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत से जोड़ने का काम किया। बोलने के लिए, सपना देखने के लिए सब स्वतंत्र हैं, जमानत बचा लें, जो पहला दो चुनाव का फेज का चुनाव हुआ है, जमानत बचाए कई सीटों पे पता चल ग्रसित है परिवारवाद से, वो भला गरीबों की ही तैसी हो सकते हैं। विपक्ष जो है, विपक्ष कहीं नहीं है, लड़ाई में कहीं नहीं, तरफा माहौल जो है एनडीए के पक्ष में, लेकिन वो तो कह रहे कि अब विपक्ष क्या बोलेंगे, विपक्ष के पास कोई मुद्दा है जो परिवारवाद से, जो परिवार से अलग सोच ही नहीं सकते हैं, वो भला राज्य और देश का सेवा क्या करेंगे।